नमस्कार, आप देख रहे हैं धनौर टाइम्स न्यूज। पिछले दो वर्ष से प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने नहीं आ रही हैं अध्यापिका। बचराइयों थाना क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल एक शिक्षक मित्र के हवाले चल रहा है। स्कूल में तैनात एक अध्यापिका काफी समय से विद्यालय में नहीं आ रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्यक्त है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम इंदरपुर का प्राइमरी विद्यालय एक शिक्षा मित्र के सहारे चल रहा है। विद्यालय में तैनात अध्यापिका रूबी सिंह पिछले दो वर्ष से विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। मामले में जब स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्ष से अध्यापिका रूबी सिंह स्कूल नहीं आ रही हैं। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि दो वर्ष से अध्यापिका स्कूल में पढ़ाने नहीं आ रही हैं, और जब पहले अध्यापिका पढ़ाना आती थी तो मोबाइल में लगी रहती थी। सोचने वाली बात है कि वह दो वर्ष से अध्यापिका विद्यालय में पढ़ाने नहीं आ रही हैं और शिक्षा विभाग को इसी की भनक तक नहीं है। इंदरपुर का प्राइमरी विद्यालय मात्र एक शिक्षा मित्र के हवाले चल रहा है। अध्यापिका के स्कूल न आने से स्कूल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग भी जानकार अनजान बना बैठा है। विद्यालय में अध्यापिका के न आने से ग्रामवासियों में रोष पनप रहा है। आपका कमल जी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो? शिक्षा मित्र। अच्छा, आप इकले पढ़ाते हो, कोई और मैडम? अच्छा, कोई मैडम नहीं है? मैडम है, वो छुट्टी पे है। अच्छा, क्या नाम है उनका? रूबी सिंह। रूबी सिंह कब से है छुट्टी पे? पहले सीसीएल पे थी, और इस टाइम पता नहीं है कौन से अवकाश में है या चिकित्सा अवकाश में, जानकारी मिली। अच्छा, वैसे कितने टाइम से नहीं आ रही स्कूल? स्कूल तो पहले सीसीएल पे थी, तो अवकाश पर थी, उसके बाद में चिकित्सा अवकाश थी। फिलहाल इस टाइम पे भी जानकारी नहीं है कौन सा अवकाश है। अच्छा, ना आप कितने समय से नहीं रही? लगभग 2 साल है, लॉकडाउन से पहले इनका अवकाश चल रहा है। अच्छा,